जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और शुरू करते हैं आज मैथ में रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल। आज मैं ऐसे सवाल करवाने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि अधिक बार पूछे गए हैं, कोई कोई सवाल तो 10-12 बार भी एग्जाम में आ चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसमें से 2-3 सवाल भी आ जाते हैं तो भैया 2-3 नंबर तो आप आगे चले जाओगे और हज़ारों के हज़ार विद्यार्थी को पीछे छोड़ दोगे। एक एक नंबर से हम हज़ारों को पीछे छोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कहता है, पहला सवाल देखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किसी टेलीविज़न का अंकित मूल्य 24,000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% 10% के क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितना में खरीदा। एक टेलीविज़न की अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। एक व्यापारी इसे क्रमशः 20% और 10% के दो छूट पर खरीदा है, तो कितने में खरीद लिया है जरा बता दीजिए। अरे भाई, जब इतना का 20% छूट हुआ होगा तब इतना का 80% देना हुआ होगा, लेकिन फिर 10% छूट हो गया तो जितना सामान का दाम यानी 24,000 का जो 80% देना था उस पर 10% छूट हुआ तो इतना का 90% ही अब फिर देगा, यानी इतने में ही खरीद लिया। तो प्रतिशत से 2 जीरो उड़ा दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब ये हो गया 240 और ये 8 × 72 हम गुना कर देंगे तो हमारा 17,280 रुपया हो जाएगा, यानी 24,000 रुपया का सामान ये दो छूट जो मिल गया 20% और 10% का, जिसके वजह से अब 17,280 रुपया में ही मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है। दोस्तों एक बात और, ज्योमेट्री का जो हमारा सेशन चल रहा है वो चलते रहेगा, तो ज्योमेट्री में आगे हमारा जो होगा ट्रायंगल का दूसरा पार्ट होगा। अभी तक आपने अगर ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भैया जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में मत जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। आगे देखिए, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्र की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल और उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ठीक। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। देखिए इसमें कई तरीके से सवाल पूछा जाता है, मैं चाहता हूं कि बड़े इत्मीनान से थोड़ा समय लेके सारे चीज़ इसमें क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि इसमें घुमा के या कुछ कम डाटा देके भी सवाल पूछे तो आप आंसर निकाल सको। तो इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं या भागिएगा नहीं, पूरी तरह से आपको हम गणित सिखा देंगे, केवल भागिएगा नहीं। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, यानी पास हुआ है। 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत 40 है। दोस्तों पहले 65% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है, तब 60% विद्यार्थी दूसरे विषय में पास हुआ है और 40% विद्यार्थी यहाँ बोल दिया है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40, पहला सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट में, और दोनों सब्जेक्ट में
इतना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ है। सुनिएगा, मतलब एक ऐसा लड़का है जो केवल 65% पहले सब्जेक्ट में यानी सामाजिक विज्ञान में ही पास हुआ था, और 60% ऐसा है जो केवल इतिहास में पास हुआ था, लेकिन 40% ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों विषय में पास हुआ था। तो सवाल हम लोगों से ये कहा है, जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 90 छात्र फेल है, एक मिनट देखिए, फेल है कितने, 90 छात्र। अब 90 छात्र दोनों विषय में फेल है भैया, 90 छात्र दोनों विषय में फेल है, और यहाँ पास पास वाला दिया हुआ है, तो हमें फेल निकालना चाहिए। दोस्तों एक फार्मूला याद करिएगा, फार्मूला पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास होगा, आ सुनो सुनो, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। एक सेकेंड, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अब फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। माइनस में हम उसी को लिखेंगे जो दोनों सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को कब कहां लगाएंगे, आपसे सवाल ये भी पूछ लेता कि ये जरा बता दो, यहां तो दोनों विषय में 40% पास हुआ था ना, आपसे पूछता कि एक बात बता दो कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ था, ऐसा पूछ लेता दोस्तों। और यहां फेल वाला का संख्या 90 दिया है, तो ये सवाल थोड़ा और बड़ा कर दिया है, लेकिन कभी कभी सवाल में इतने डाटा देकर आपसे लास्ट में पूछता कि ये बताओ कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो याद रहे दोस्तों, जब भी फेल निकालना हो तो पास वाला फॉर्मूला लगाना। यहां फेल का संख्या रियल में पता है, इसलिए हम प्रतिशत में भी रियल वाला पता करेंगे, प्रतिशत में भी पता करेंगे विद्यार्थी का संख्या। हमें फेल निकालना है तब पास वाला फॉर्मूला पर लगाइएगा, उल्टा काम याद कर लीजिए, उल्टा काम करना है। पास पूछे तब फेल वाला पर, और फेल पूछे तब पास वाला पर। सुनिए, तो यहाँ हम पास वाला लगाएंगे, तो पास कितना हुआ, तब 65% पास था सामाजिक विज्ञान में, 60% इतिहास में पास था, और 40% दोनों विषय में पास था। 60 में 40 घटाए 20 65 85, 85% कहिएगा कि टोटल पास। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट, सुनिए, फेल इन, ये निकला कि 85% ऐसा लड़का है जो सब माने पास है कोई ना कोई विषय लेके, 85% पास। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोस्तों बोथ सब्जेक्ट दोनों विषय में फेल कितना, टोटल विद्यार्थी 100% होता है, 85% पास है, तो 85% को घटा देंगे, 15% निकल के आएगा ऐसा विद्यार्थी जो दोनों विषय में फेल हो गया है। अगर सवाल में सिर्फ इतना पूछ लेता कि जरा बताओ कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ, तो आपका आंसर आ गया। दोस्तों ऐसे सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। इस सवाल में दिया है कि फेल वाला 90 गो है, तो चूंकि हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में 15% विद्यार्थी फेल हुआ, और रियल में 90 विद्यार्थी फेल हुआ, और ये दोनों फेल वाला का संख्या है, इसलिए 100% का मान कितना, 15 का 6 गुना होता है, तो 100 का 6 गुना 600 हो जाएगा, यानी 600 विद्यार्थी क्या हुआ है, टोटल यहाँ विद्यार्थी है। देखिए सुनिए, 100% का मान निकालने का मतलब टोटल संख्या, 15% का वैल्यू 90, यानी 15% विद्यार्थी प्रतिशत में बोले तो फेल हुआ, और रियल में 90 गो फेल हुआ, लेकिन 100% निकालेंगे तो फेल पास सब निकल जाएगा, यानी कि 90/15, 100 का मान निकालें तो 100 से गुना, 15 × 6 = 90, 600 विद्यार्थी हमारा टोटल है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों थोड़ा सा समय लेकर मैं समझाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपको ये भी क्लियर होते रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या सवाल इसमें कहाँ कितना चीज देकर क्या पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, कम क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे कि इसके बाद अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना पाओगे। अगला सवाल हमारा होगा, सवाल क्या कहता है देखिए, ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है, 7 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कहता है ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। अब कहता है 7 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, कब जानते हैं,
सात बरस के बाद, सुनिए सुनिए, सात बरस बाद उनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 5 हो जाएगा। कब? सात बरस बाद। इसमें पीछे भी कह सकता था, हाँ ऐसा नहीं कि बाद, कह सकता था कि सात बरस पहले उनकी आयु का रेशियो कुछ हो जाता है, तो वर्तमान आयु बताइए या उस समय की आयु बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, इस सात बरस बाद का है, जब भी सवाल में दो समय का रेशियो पता हो, जब भी सवाल में दो समय का रेशियो पता हो तो पहला वाला में एक सटा देंगे। हाँ इसका ट्रिक भी बनाने का है, लेकिन कितना हर सवाल का ट्रिक याद करिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट जो सब पर लागू हो। तो देखिए यहाँ पर अब इसको 1x/2x लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिया। अरे भाई एक्स एक्स काट ही दोगे, एक सटाने से कोई दिक्कत होता नहीं है। अब सुनो, इस सात बरस बाद है ना, तब बाद होने के लिए प्लस करना होगा और पहले जाने के लिए माइनस करना होगा। ये अभी का आयु है, ए का आयु बी का आयु, तो सात बरस बाद कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान वाला में सात जोड़िए, वर्तमान वाला में सात जोड़िए, सात बरस बाद पता चल गया आयु। अब ये सात बरस बाद की आयु हो, मान लीजिए कि मेरा आयु अभी 26 वर्ष है, तो सात बरस बाद कितना होगा, तो 26 सात जोड़ दीजिएगा 33 बरस होगा। यानी वर्तमान में जितना जोड़ देंगे उतना बरस बाद का निकल जाएगा और जितना घटा देंगे उतना बरस पीछे का निकल जाएगा। अब सुनिए, तो वर्तमान में सात जोड़े, वर्तमान में सात जोड़े, तो दोनों के सात बरस बाद की आयु हो गया, जबकि यही आयु का रेशियो, अरे बट्टा का मतलब रेशियो ही होता है, इस आयु का रेशियो है कितना, 3:5, 3:5 का मतलब 3:5। अब क्रॉस गुना तो 5x, अब 5×7=35, ठीक है दोस्तों, बराबर देखिए 3×2=6x, 7×21, 6x आके घट गया तो माइनस में x, 35 उधर जाके तो माइनस में 14, माइनस माइनस गया तो x की वैल्यू 14, यानी एक का आयु 14 वर्ष है वर्तमान में, एगो x है, एगो x का वैल्यू 14, और दो गो x का मतलब 14×2=28, तो एक है 14 वर्ष का, एक है 28 वर्ष का, कोई दिक्कत तो नहीं। और कहा भी था कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तो बताइए एक आदमी 14 साल का, एक आदमी 28 साल का होगा, तो 14×14, 14×2=28, 1:2 हो जाएगा कि नहीं आयु का रेशियो, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल, दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। कहता है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। बहुत अच्छा, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, एक फादर का आयु एक सन के आयु से 30 गुना है, 30 गुना है, ये आयु का रेशियो दिया हुआ है। सुनो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है, ये लिखे थे 30 हो गया। अब कहता है 18 वर्ष बाद, अभी नहीं है, 18 वर्ष के बाद कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, कब, 18 वर्ष बाद। रुक जाना, पहला वाला में एक सटा देना, और ये 30x/1 हो गया 1x, ये दो गो रेशियो था, पहला वाला रेशियो में एक्स लगा दिए। अब सुनिए, ये रेशियो कब आएगा, 18 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु में 18 जोड़ेंगे तब ना 18 वर्ष बाद का ये आयु होगा, अभी हो गया 18 वर्ष बाद के आयु का रेशियो, जबकि रेशियो 3:1 का। क्लियर, क्रॉस गुना तो ये सिंपल 30x+18, और उधर क्रॉस गुना 3 से दोनों में गुना होगा, 3x+18=54, 3x आके घटा तो 27x हुआ, 18 जाके घटा तो 36 हुआ, अरे 9×3=27, 9×4=36, बोले तो x का वैल्यू 4/3। आपसे पूछा है फादर की आयु बता दो, बिल्कुल बता दूंगा, फादर की आयु है भैया 30x, तो 30 गुना x की वैल्यू कितना, 4/3, 3×30, 10×4=40 वर्ष। यही सब सवाल का अलग अलग ट्रिक रट के आप दिमाग खराब करते हैं और आपको याद नहीं रहता है, एग्जाम में आप भूल जाते हैं। दोस्तों चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में भी देखते रहिए, समझते रहिएगा।
चले आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। क्या कहता हमारा अगला सवाल, देखिए अनेकों बार सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल हमारे सामने दिया है कि यदि यदि x माइनस रूट एक्स बराबर कितना है 90, तो पूछ रहा है रूट एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है भैया 10, ऑप्शन बी कहता है 9, ऑप्शन सी कहता है 100 और ऑप्शन डी कहता है 81। कुछ लोग बाय प्रोसेस करने की सोचने लगते हैं, हो सकता है इसका होल स्क्वायर करने लगते हैं, समय लग जाएगा। ऑप्शन से भी सोचते हैं तो ऑप्शन से कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, या तो कोई लोग 100 ले लेते हैं या कोई लोग 10 ले लेते हैं। दोस्तों सिंपल सा बात, अगर एक्स की वैल्यू आप 10 लोगे, एक्स की वैल्यू 100 लोगे तो काम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 100, हालांकि रूट एक्स का मान पूछा है तो वो तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए अगर एक्स की वैल्यू 100 लेते हैं तो यहाँ 100 माइनस ये रूट एक्स के जगह 100 लिए हैं बराबर ये 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 माइनस 100 का वर्गमूल 10, 100 में से 10 गया तो 90। हमें पूछा है रूट एक्स का मान, तो एक्स का वैल्यू 100 है तो रूट एक्स का वैल्यू यानी कि 100 का वर्गमूल कह रहा है, तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। दोस्तों ये तो हम मुरकटिया मेथड सोच दिए, अगर आपको बनाना होता तो आपको नहीं पता तो आप ऐसे करते। देखिए जो चीज़ आपसे पूछा है नीचे के चार ऑप्शन में वही बात रहेगा। अगर ये कोई समीकरण दे और उसमें x का मान पूछा है तो ऑप्शन से हम संतुष्ट करा लेंगे। तो देखिए रूट एक्स का मान कहा है तो ऑप्शन को लेके चलते हैं कि रूट एक्स का मान 10, हम लेके चलते हैं कि भैया रूट एक्स का मान 10 होगा। तो अब बताइए ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो 10 का स्क्वायर यानी एक्स का वैल्यू कितना हुआ 100। अब रख के देखेंगे संतुष्ट हुआ कि नहीं, एक्स का वैल्यू 100, रूट एक्स का वैल्यू आपको पता है रूट एक्स का वैल्यू कितना, सीधे 10 रख देते हैं, हो गया ना बराबर 90, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला बढ़िए, अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है x प्लस 1/x बराबर 2 है तो पूछ लिया है क्या x माइनस 1/x का मान क्या। खूब कंफ्यूज होते हैं लोग, सुनिएगा प्लस में दिया है माइनस में पूछा है, एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर x प्लस 1/x बराबर a, मतलब यहाँ 2 था, 2 के जगह a लिख दिया, तो दोस्तों अगर यहाँ प्लस है तब माइनस करके पूछा जाएगा जो कि ये सवाल है। देखिए तो क्या करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर यानी जो संख्या दिया उसका स्क्वायर, अब माइनस में लाना है तो माइनस 4, एक फार्मूला ये आपको याद हो जाएगा। दूसरा x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a हो, मैंने पहले यहाँ माइनस लिख दिया, गौर से देखिए, तो x प्लस 1/x का मान पूछ लिया जाए तो आपको करना है प्लस में लाना है ना, तो जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर अब प्लस में लाना है तो प्लस 4 करना है। दोस्तों फार्मूला याद रहेगा, अगर प्लस में पता करना है तो प्लस 4, माइनस में पता करना है तो माइनस 4। अगर प्लस में वैल्यू देगा तो माइनस करके पूछेगा, माइनस करके देगा तो प्लस करके पूछेगा, और प्लस में पूछे तो प्लस 4, माइनस में पूछे तो माइनस 4, याद रहेगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे, तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। आइए देखते हैं इसको, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x माइनस 1/x का मान माइनस में लाना है तो रूट अंडर यहाँ वाला का स्क्वायर करना है और माइनस 4 करना है। तो दोस्तों ये 4 माइनस 4 बराबर रूट अंडर 0 बोले तो 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमी से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे, तुम्हें दिल से चाहा था हमने
मगर तुम हुए ना हमारे। लाइक तो बनता है भैया। अगला सवाल देखिए, एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। टीन में और कितना वनस्पति तेल उड़ेलना चाहिए ताकि टीन पूर्ण रूप से तेल से भर जाए। दोस्तों, एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, क्या उसका आयतन पता कर सकते हैं? हाँ भैया, सुनिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 40 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, एकदम घना के आकार का है। 40 गुना 40 गुना 60, 4 चौका 16, 6 96 और 3 0 96,000 घन सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया उसका आयतन, इसका आयतन यानी इतनी क्षमता उसकी हो गई। अब कहता है इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है, टीन और कितना वनस्पति तेल में उड़ेलना चाहिए ताकि टीन पूर्ण रूप से तेल से भरा जाए, मतलब उसमें और कितना तेल रखे कि पूरा तरह भर जाए। अभी 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई वही है, नहीं 40 सेंटीमीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ही ऊंचा अभी भरा हुआ है, तो है कितना वर्तमान में है? वर्तमान में अभी है 4 चौका 16 तिहाई 48,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शेष अभी और कितना भरना पड़ेगा? तो शेष भरना पड़ेगा वही 96,000 में से 48,000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस किया जाएगा, तो 48,000 सेंटीमीटर क्यूब और डालना पड़ेगा, यानी आधा भरल है आधा और चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रीय धरातल क्या होगा? है सिंपल, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या, कोई शंकु है और इस शंकु की सुनिएगा त्रिज्या, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है ना, तो ये देखो लंब हो गया, आधार हो गया, तो ये कर्ण 5 हो जाएगा, 3 4 5, पाइथागोरस में 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएँ होती हैं, 3 4 पता है, तो 1 5 हो गया, यानी ये शंकु की तिरछी ऊंचाई हो गया 5, त्रिज्या हो गया 4। तो दोस्तों, त्रिज्या 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। तो अब हमें पूछा है वक्रीय, पूछा है क्या शंकु का वक्रीय धरातल, तो पाई आर एल होता है फॉर्मूला, ये पाई आर के जगह 3, एल के जगह तिरछी ऊंचाई यानी 5, 3 5 15 पाई हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारे सामने है, कहता है जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। ये बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए, इसका हम 3 तरीका बताते हैं और 1 बेस्ट तरीका जो सबसे लास्ट में, ठीक है। पहले, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, ये पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, फर्स्ट मेथड, इसका 3 मेथड मैं अभी बताऊंगा आपको। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, तो जल कितना हुआ भैया? 40 लीटर मिश्रण था, मिश्रण कितना था? 40 लीटर, तो 40 का 10% जल कहा है, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 4 लीटर हमारा जल है। अब सवाल ये कहता है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पानी 1 लीटर मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए कितना पता है? 1 लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर मिलाएंगे तो दोस्तों टोटल पानी, पहले तो 4 था, 1 लीटर मिलाएंगे 4 + 1 का हो जाएगा ये टोटल पानी। अब मिश्रण कितना का हो जाएगा जानते हैं? मिश्रण, अब पानी मिलाइएगा तब मिश्रण रुका हुआ रहेगा, अरे पानी मिलाइएगा तब भी मिश्रण बढ़ेगा और दूध मिलाइएगा तब भी मिश्रण बढ़ेगा, मिश्रण दोनों स्थिति में बढ़ेगा।
तो मिश्रण पहले 40 का था प्लस एक्स, एक्स लीटर पानी मिला है तो मिश्रण 40 प्लस एक्स का। अब ये 4 प्लस एक्स पानी, 4 प्लस एक्स पानी, पानी अब इतना है, अब मिश्रण अब कितना है तो 40 प्लस एक्स, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, और x लीटर क्यों मिलाए थे 20 प्रतिशत करने के लिए, तो बराबर 20 प्रतिशत लिख देंगे। अब देखिए, अब इधर भी प्रतिशत हो जाएगा, 100 प्रतिशत से गुना, प्रतिशत प्रतिशत कटेगा, 100 जाएगा बट्टा में, इधर देखो 4 प्लस एक्स और नीचा हो गया 40 प्लस एक्स, अब बराबर 1/5 हो गया, कैसे 100 गया बट्टा में तो 20 25 100 कट गया। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस गुना सुनिए, तो इधर कितना 5 के 20 प्लस एक्स बराबर, ये उधर चला गया 40 प्लस एक्स, एक्स ये 5x हो गया, 5 के 20 और ये 5x, अब ये आके घटा तो 4x, 20 जाके 40 में घटा तो 20, 4 से 20 को काटे 5 बार में, x की वैल्यू 5 लीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा कंडीशन कैसे, तो दूसरा ये तरीका है दोस्तों, एक मेथड तो ये हो गया, अब दूसरा बाय ऑप्शन मेथड, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन कैसे बनाएं, तो देखिए बाय ऑप्शन बनाने के लिए दोस्तों 40 लीटर का मिश्रण में 10% जल है, तो जल पहले निकाल लिए 40%, प्रतिशत से 2 जीरो घटा, 4 लीटर हमारे पास जल है। कहता है कितना जल ले लोगे कि 20% हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन में 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 6.5 और ऑप्शन डी में है 7.5। कहता है कितना जल लोगे कि 20% हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि ये 4 लीटर ले लो ना 20% हो जाएगा, देखते हैं, 4 पहले से था, 4 और लेंगे तो 8 लीटर जल होगा, लेकिन मिश्रण हो जाएगा दोस्तों 40 था मेरे पास, 4 लीटर जल मिलाएंगे तो मिश्रण हो जाएगा 44 का, प्रतिशत में ला के देखते हैं कि या ये जो है 20% होता है कि नहीं, नहीं होगा, 4 से कटे 2 बार में, 4 से कटा 11 बार में, अभी 200 बट्टा 11 कभी भी 20% नहीं हो सकता है, ये कटने वाला ही नहीं पूरा पूरा, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं ऑप्शन बी को, 4 लीटर जल मेरे पास है 40 लीटर मिश्रण में, नहीं तो ऑप्शन बी लेंगे तो 4 लीटर और 5 लीटर 9 लीटर जल होगा, और मिश्रण कितना का था 40 और 5 45 का, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 9 5 45, 5 से कटा 20 बार में, हो गया ना 20%, चलो 20% कहें इसको, तो 20% हमारा आंसर हो जाता है, कितना लीटर लेने से, इसको लेने से, ऑप्शन बी को। अब हम आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, जो थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड जो है दोस्तों, ये मेथड देखिए, सवाल ये कहता है जल और एक दूध के मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। एक बात बताइए, पहले जल है 10%, अब बाद में जल हो जाना चाहिए 20%, अच्छा मिला क्या रहे हुआ जल, तो जल मिलाओगे तो क्या बढ़ेगा पता है, जल बढ़ेगा मिश्रण बढ़ेगा, दूध नहीं बढ़ेगा, और अगर दूध मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा मिश्रण बढ़ेगा जल नहीं बढ़ेगा, जो मिलाएंगे उसके साथ साथ मिश्रण भी बढ़ेगा पक्का। अब सुनिए, कहता है जल मिलाने के लिए 40 लीटर मिश्रण में 10% जल है, कितना जल और मिला दे कि जल का मात्रा 20% हो जाए, हम मान लेते हैं x लीटर मिला ले तो 40 प्लस एक्स का नया मिश्रण हो जाएगा कि 20% जल हो, यानी नयका में 20% जल और पहले वाला में 10% जल। अच्छा इसमें एक बात आपने गौर किया, दूध के साथ कुछ भी किए नहीं, नहीं तो दूध निकाला और नहीं तो दूध डाला, तो दूध का मात्रा दोनों तरफ बराबरे होना चाहिए, यानी पहले 10% जल था तो 90% दूध रहा होगा, अब 20% जल है तो 80% दूध रहा होगा, और दूध के मात्रा तो दोनों तरफ बराबरे होगा, क्योंकि दूध ना तो निकाले हैं ना डाले हैं, लीजिए। अब प्रतिशत से हमारा 2 जीरो कट जाता है, चाहे नहीं प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, आ लीजिए 0 से 0 काट लीजिए, आ 8 5 40 काट दीजिए, 9 5 45, आ 40 आके घटा बराबर उधर x, यानी 5 = x हो गया। दोस्तों एक बार फिर से इसे बैक करके समझ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कहता है, दो अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या क्या है। दोस्तों दो अंकों के संख्या का योग 15 है, दो अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का योग 15 है और उसमें 9 जोड़िएगा तो संख्या बदल जाती है, तो पूछता है कि संख्या क्या है। एक बात सुनिए, जब भी किसी संख्या के बारे में 2-3 कंडीशन दे दे और वही संख्या पूछे, कंडीशन देकर संख्या पूछे, जिस संख्या का चर्चा हो रहा था सवाल में और संख्या ही पूछे, तो ऑप्शन से जाइएगा, 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। सुनिएगा, हमारे सामने ऑप्शन ए है 69, ऑप्शन बी है 78, ऑप्शन सी है 87 और ऑप्शन डी है 96। सुनिएगा, कहता है दो अंकों की संख्या का योग 15, पहले देंगे 15 है कि नहीं, 9 6 15, एक बात पूरा है, एक बात पूरा है, पीटी पास कर गया, मेंस में देखते हैं इसका क्या होता है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर उलट जाना चाहिए, 69 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 6 1 7 78 होता है, गलत हो गया, ये नहीं हुआ। क्या 69 उल्टेगा तो 96 होना चाहिए, ये गलत है, एक जगह ही फेल हो गया। अगला देखते हैं, 78 के अंकों का योग 15, एक बात तो पूरा हो रहा है, दूसरा बात 78 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है बताइए, 9 8 17 के साथ हासिल 1 7 1 8, हाँ 78 पलटेगा तो 87 ही बनेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, और सच में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है, कमेंट पढ़ता हूँ मैं, आपके कमेंट को लाइक करता हूँ दोस्तों। और अगर नए व्यूअर हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और इस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, और ज्योमेट्री का अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके।